मध्य प्रदेश में संपूर्ण कोविड टीकाकरण करने हेतु प्रदेश सरकार ने फिर से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत सिंगोली नगर निकाय कर्मचारियों ने कस्बे के सभी 15 वार्डों में घर घर दस्तक देकर वैक्सीनेशन के दूसरे डोज से वंचित लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस बाबत जानकारी देते हुए CMO अब्दुल रऊफ खान ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को स्वस्थ रखने व कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए एक बार फिर कोविड टीकाकरण महाअभियान शुरू किया गया है, जो आगामी 1 दिसंबर तक चलेगा। 10 नवंबर से शुरू हुए अभियान के तहत आगामी 17 व 24 नवंबर तक तथा 1 दिसंबर को 100% टीकाकरण करवाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा व डोर टू डोर टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड टीकाकरण की धीमी रफ्तार को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य विभागों के साथ नगर निकाय अमला भी सक्रिय हो गया है। गुरुवार को सिंगोली कस्बे के सभी 15 वार्डों हेतु नियुक्त वार्ड प्रभारियों ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर वैक्सीनेशन की दूसरे डोज से वंचित लोगों को निर्धारित तिथियों में टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि अभियान की सफलता के लिए आशा कार्यकर्ता, ANM, पंचायत कर्मी, BMO, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। समय पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों द्वारा महाअभियान में 100% टीकाकरण के लिए नागरिकों से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाने का आह्वान किया गया है। गुरुवार को अभियान के तहत घर घर दस्तक देने वालों में अब्दुल फारूक हुसैन, प्रेमलता पटेल, कंवरलाल प्रजापत, बलराज छिप्पा, वंदना शर्मा, सागरमल सेन, आरिफ हुसैन, सचिन टाक और आशीष कोठारी सहित सभी वार्ड प्रभारी और आंगनवाड़ी तथा कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं। मनासा से शबीर बोरा की रिपोर्ट।